two big problems in fashion designing. Do you think that it is true? Guys, yes, true. So guys, today's video is very important. आप इसे बिना स्किप किए हुए देखो, क्योंकि मैं सारा मिराज खान, फैशन डिज़ाइनर एंड ट्राइबल आर्टिस्ट, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट जब फैशन डिज़ाइनिंग शुरुआत करते हैं स्टडी करना, उनको क्या मेज़र दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग में शेडिंग, टोनिंग, स्टाइलिंग, ग्राफिक, ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम आती है। अगर आप ध्यान से आज का वीडियो देखेंगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और सारा मैम इसे कैसे सॉर्ट आउट करा रही हैं, ताकि हम इसे प्रैक्टिस करके बहुत इम्प्रूव करें, ताकि फ्यूचर में डिज़ाइनर बनने के बाद ये प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि दोस्तों ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सकें, जान सकें कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो स्क्रीन पे देखिए, ये है मेन प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छे से फैशन इलस्ट्रेशन बनाना नहीं आता, आप कोई भी प्रोसेस कर लीजिए, आप बेस्ट फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो जानेंगे कि बिगनिंग में और बिगनर स्टूडेंट को किस तरह से प्रॉब्लम फेस होती है, उसका हम स्टेप बाय स्टेप क्या सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालते हैं, हम ये तमाम जानकारी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो गाइस, 1000 ऑफ स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के बाद हमने ये रिज़ल्ट निकाला है कि बच्चों को इलस्ट्रेशन बनाने में बहुत दिक्कत आती है, और ये प्रॉब्लम का सलूशन है ये बुक, जिस बुक की सहायता से मैं आज आप लोगों को 2 इजी स्टेप बताऊंगी किस तरह से बॉडी ब्लॉक से फ्लैश फिगर बनाया जाए एंड देन स्टिक फिगर से फ्लैश फिगर बनाया जाए। हमारी जो ये AADK बुक है, ये बहुत आसान स्टेप में है। इसकी क्या डिटेलिंग है और इसे कैसे आप हासिल कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी सहायता से कैसे एक एक मोमेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर ही रह के, और किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, ये तमाम जानकारी इस बुक में अवेलेबल है। सो गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग ऑनलाइन कोर्स और आप भी बनना चाहते बेस्ट फैशन इलस्ट्रेटर, तो आपको सीखना पड़ेगा डिज़ाइनिंग। आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए, ताकि आप सीख सकें एक एक मोमेंट विथ डिटेलिंग। साथ में आप सीखेंगे कि किस तरह का प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, क्या मेथड होता है, क्या टेक्निक होता है। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कैसे ब्लॉक बनाना है, बॉडी ब्लॉक बनाना है, बट वो प्रोसेस नहीं समझा पाते कि किस प्रोसेस में हमें बहुत अच्छे टेक्निक्स के साथ फ्लैश फिगर बनाएं। वो आपको एक एक्सपर्ट, एक मेंटोर और एक ट्रेनर ही बता सकता है। सो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव एट लीस्ट 1000 अबव स्टूडेंट और उनके बहुत सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो मैंने एनालिसिस किया, और रिज़ल्ट ये है कि आप लोगों के सामने ये बुक है जिसमें एक एक डिटेलिंग है, एक एक पॉइंट पर स्टडी की गई हुई है, किस तरह से पोजीशन देना है, किस तरह से मार्किंग करनी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए बॉडी पार्ट्स के पॉइंट्स कहाँ पे हैं। एंड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रंट बॉडी जिस तरह ड्रॉ करते हैं, वैसे बैक बॉडी के भी एक एक बारीकियों को आपको सीखना है, जैसे इस बुक में दिया गया है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जब फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर आप पर्टिकुलर फैशन इलस्ट्रेशन के कोर्स कर रहे हैं, आपको बॉडी प्रोपोजिशंस के एक एक मोमेंट की इंफॉर्मेशन हो, और उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शुड बी नीड, बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस की। जब आप फैशन डिज़ाइनिंग शुरुआत करते हैं, आप स्टूडेंट होते हैं, आप बिगनर होते हैं, ये तमाम दिक्कतें आनी ही आनी है, तो आप इसे पॉजिटिविटी में लीजिए, क्योंकि हर कोई सीख के ही बेस्ट बनता है। सो 9 हेड्स फिगर्स, 10 हेड्स फिगर, 12 हेड फिगर्स, ये तमाम डिटेल्स हैं। और अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, हमारे ऐप हैं AADY सारा मिराज खान, कोर्स की डिटेल्स हैं, कोर्स की डिटेल्स में आपको एक एक पॉइंट बताया गया है कि आप कैसे सीखेंगे। फैशन इलस्ट्रेशन में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है या प्रॉब्लम होती है, वो है हैंड मूवमेंट।
हैंड का शेप देना, हाथों को कैसे शेप दिया जाता है, किस तरह से मूव किया जाता है और उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी कह सकते हैं, नी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, बॉडी प्रोपोजिशंस बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और हमारे हर वीडियो में मैंने आपसे यही कहा है कि जब भी आप फैशन इलस्ट्रेशन बनाएं शुड बी मेक अ प्रैक्टिस लाइक बॉडी ब्लॉक फ्लैश फिगर के लिए ज़रूरी है, एंड देन स्टिक फिगर रोबोटिक फिगर एंड साइड पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस बुक में कि आप एक एक पॉइंट पर स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और अपने इलस्ट्रेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। तो गाइस ये बुक की सहायता से मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि बॉडी ब्लॉक के थ्रू कैसे आप शेप दें, और बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक से मेंटोर क्रिएट नहीं करेंगे, चाहे आप इंस्टीट्यूट में जाएं ऑनलाइन सीखें, लेकिन आपके पास बुक होना ही चाहिए। मैं भी बुक से ही स्टडी करती हूँ, रीड करती हूँ, एवरी डे रीड करती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ, एंड आई लव टू लर्न, आई लव टू टीच। तो देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट की, लाइनिंग बॉडी ब्लॉक में से हेड से शुरुआत की है, मेरे हैंड का मूवमेंट किया है, पोजिशंस मैंने कैसे प्लेस किया है ऑन द शीट, एंड देन नेक लाइन। सारे स्टूडेंट AAD के जो भी हैं आप बहुत अच्छे से देखो और बना के मुझे सेंड करना, और अगर आप AAD के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप भी हमारे इस AAD कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज का हिस्सा बनिए और ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग सीखिए। तो देखिए मैंने नेक से शोल्डर पे आई, उसके बाद बस्ट पॉइंट में मैंने मार्किंग पहले दे दिया था, और आप सभी को पता है बस्ट पॉइंट आता है कहाँ पे, जी हाँ 2.5 में। इस तरह से नेक बोन भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ 2 स्टेप में कैसे आप बहुत अच्छा फ्लैश फिगर बनाएं। पहला बॉडी ब्लॉक, तो ये है नंबर 1। बॉडी ब्लॉक से शेप देना बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, सिर्फ शेप देना। नेक्स्ट क्रॉच एरिया। 3rd नी पोजीशंस। नी पोजीशंस में बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, तो इन गड़बड़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, प्रैक्टिस, बुक्स, क्लासेस एंड यस AAD बाई सारा मिराज खान। आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है, तो आप बहुत आराम से ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको भी सीखना है ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग, वेलकम इन AAD बाई सारा मिराज खान। सो इस तरह से मैं शेप दी हूँ, और शेप में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एंकल को भी शेप देना। इस तरह से देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतनी डिटेलिंग पे नहीं ध्यान दे पाते हैं, और हमारा फोकस होता है कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे से सीखें। और नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे हैंड पोजीशन। हैंड में भी मैंने अगेन प्रीवियस में बताया था कि कैसे आपको शेप देना है, ये बहुत ज़रूरी है। नी एरिया वेस्ट लाइन पे आना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से कर्व दें एंड देन शेपिंग करें। तो ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को, बार बार देखें, अंडरस्टैंड करें। और अगर आप भी मेरे साथ जूम में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और नेक्स्ट बैच पे रजिस्ट्रेशन लीजिए। तो इस तरह से मेरा जो इलस्ट्रेशन है, जो आपकी दिक्कत आती है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट, आई थिंक 1000 से अबव स्टूडेंट को मैंने टीच किया है ऑफलाइन और ऑनलाइन। अभी शुरू किया ऑफलाइन, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को स्पेशली मैंने फैशन इलस्ट्रेशन पर फोकस करने के लिए बोला है, क्योंकि दिस इज़ द बिगनिंग पॉइंट। गाइस अगर आपका स्ट्रक्चर्स बेस्ड है तभी आप वो शेप अच्छा दे पाएंगे। ओवरऑल पूरे डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है आपका फैशन इलस्ट्रेशन, कि आप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, आप डिज़ाइन एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप कलर कॉम्बिनेशन कैसे दे रहे हैं, ये तमाम बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी करनी है। और तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस बुक में। इस बुक की डिटेल्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको ये बुक चाहिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए।
ऑर्डर प्लेस कीजिए और अपनी बुक मंगाइए और अपने घर पर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। गाइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको एक आर्टिस्टिक लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको कलाकार की लैंग्वेज आनी चाहिए लाइक मी। सो इस वीडियो में फिर से कहना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनिंग आप जो है वो हर लैंग्वेज में कर सकते हैं। बुक्स इंग्लिश में आती है, हमारे यहाँ 2 लैंग्वेज में फैशन डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 इंग्लिश। बुक इंग्लिश में होती है, हम अपने बच्चों को बहुत आसान वे पे क्लासेस देते हैं। क्लासेस की डिटेल्स जो है प्रीवियस वीडियो में दी गई है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रही हूँ स्टिक फिगर से बनाना फ्लैश फिगर। तो स्टिक फिगर आप सबको ड्रॉ करना आता है, तो सबसे पहले करना क्या है, नेक को शेप ऑन कीजिए, देन शोल्डर को शेप ऑन कीजिए। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, एंड साइड में मैंने मार्किंग भी की है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। बस्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है कि 2.5 से ना ऊपर जाए ना नीचे आए। दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, और इस प्लेस को आपको बहुत अच्छा ड्रॉ करना आना चाहिए ताकि आपके जो आउटफिट हैं फैशन इलस्ट्रेशन के वो बहुत अच्छे से उभर के और खूबसूरत बने। तो इस तरह से शेप देना है। तो मैंने ये 2 वे आपको सिखाया कि कैसे आपको बॉडी ब्लॉक से फैशन इलस्ट्रेशन बनाना है, सेकंड स्टिक फिगर से। तो आप देख रहे हैं कि मैं मूवमेंट कैसा दे रही हूँ, ड्रॉ कैसे दे रही हूँ, किस तरह से शेप ऑन कर रही हूँ, कहाँ से हमारा फैशन इलस्ट्रेशन शुरुआत हुआ, किस तरह से हमने इसको मूवमेंट दिया, किस तरह से हमने इसको फिनिश किया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अपने दिमाग के कंप्यूटर पे सेट करना है। और आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के स्टूडेंट को ऑलरेडी मॉर्निंग असाइनमेंट मिल चुका है नेहा मैम के थ्रू। आप लोगों को मैंने भेजा है कुछ पिक्चर्स, उसके रिलेटेड आपको बनाना है फैशन इलस्ट्रेशन इंस्पायर्ड होके। तो आपको पता ही है आई लव बर्ड, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो देखिए और फटाफट इलस्ट्रेशन बना के सेंड कीजिए। तो ये देखिए फाइनली मेरा ये जो फ्लैश फिगर है रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे कलरिंग कर रही हूँ, कलरिंग करने का भी बहुत टेक्निक्स हैं, मैं हर टेक्निक्स यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। रीज़न सबको पता है क्या रीज़न है कि हर चीज़ मैं डिटेल्स पे शेयर नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको डिटेल में सीखना है, सीक्रेट पॉइंट सीखना है, मेथड सीखना है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 3 मंथ ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, और सीखना है फैशन डिज़ाइनिंग घर बैठे। तो अगर आपके अंदर वो लगाव है, वो मोहब्बत है, वो शिद्दत है कलर के साथ, डिज़ाइंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, न्यू फैशन के साथ, न्यू ट्रेंड के साथ, तो बस जल्दी जल्दी से AADY सारा मिराज का कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अपने कैरियर को इन्हेंस कीजिए। तो गाइज, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर डे वीडियो अपलोड करूं, बट गाइज मेरे बहुत सारे वर्क होते हैं, आई एम रियली बिजी, बट आई लव टू शेयर इन्फॉर्मेशंस। एंड गाइज, आप देखें यहाँ पे इलस्ट्रेशन कैसे बनाया है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलना चाहूँगी, डियर सी, दिस इज द फ्लैश फिगर, हेड कैसा बना है, नेक कैसा बना है, एंड देन पोजीशन कैसे बना है। मैं यहाँ पे जाते जाते कहना चाहूँगी, दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, शुरुआत में हमेशा गड़बड़ होता ही है, गड़बड़ से ही परफेक्शन आती है। सो गड़बड़ करते जाइए, परफेक्ट होते जाइए। नो, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका फैशन इलस्ट्रेशन बिगड़ता है तो मायूस मत होइए, आप उसे प्रैक्टिस के ज़रिए परफेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनाइए। और बुक के थ्रू अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक रास्ता मिल जाते हैं। गाइस, बुक आपका पथ प्रदर्शक का काम करता है, आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है किस तरह से प्रोपोजिशन लेना है, किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से ड्रॉ करना है, फैशन इलस्ट्रेशन बनाने का मेथड क्या है, क्या आपको मटेरियल लगेगा, किस तरह से ड्रॉ करना है, ये तमाम डिटेल्स इस बुक में अवेलेबल है। सो हमने बहुत रिसर्च एंड मेहनत करने के बाद ये बुक आप लोगों के लिए बनाई है। उसके अलावा स्केच बुक Part 1 एंड Part 2 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड देन GMT पैटर्न मेकिंग गारमेंट मर्चेंडाइजिंग बुक, देन उसके अलावा फ्लैट फैशन स्केचेस हाउ टू मेक, एंड देन पैटर्न प्रोसेस एंड डिज़ाइन प्रोसेस, एंड देन हाउ टू कट फैब्रिक एंड स्टिचिंग डिटेलिंग, एंड देन उसके बाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग।
सो गाइज, मुझे यकीन है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भी मेरी तरह लोगों की मदद करना पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. हैव अ ब्लेस्ड डे. मिलेंगे नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो.